तो जुनागढ़ करुणांतिका में मकान मालिक सामे एफआईआर। जुनागढ़ मनपा टीपीओए फरियाद नोंधावी छे। मकान त्रण मालिक सामे अंते गुनो नोंधायो छे। नोटिस छता मकान न उतारता धराशायी थयुं हतुं। मकान धराशायी थया जेमां चार निर्दोष लोकोना जीव गया हता। आईपीसी 304-114 मुजब ए डिविजन पोलिस में फरियाद नोंधाई छे। मात्र मकान मालिक सामे फरियाद नोंधाता उठ्याता अनेक सवालो। त्यारे जूनागढ़ में मकान धराशायी थवा मामले मकान मालिक पर मनपाए पोलिस फरियाद नोंधावी छे। पोतानुं मकान जोखमी होवानुं जाणवा छता न उतार्युं हतुं अने जर्जरित मकान ने नोटिस आपी छता मकान न उतारता मकान धराशायी थयुं हतुं अने चार निर्दोष लोकोए जीव गुमाववानो वारो आव्यो हतो। त्यारे मनपाना टीपीओए मकानना त्रण मालिक सामे गुनो नोंध्यो छे। मात्र मकान मालिक सामे फरियाद नोंधाता मनपानी कामगीरी पर पण अनेक सवालो उठ्या छे। शुं मनपानी जवाबदारी मात्र नोटिस आपवानी छे? नोटिस आप्याना बे महीना बाद पण शा माटे कार्यवाही न करवामां आवी? आम मनपाए मकान मालिक विरुद्ध फरियाद करी पोते निर्दोष साबित थता रोष फैलायो छे। तो जूनागढ़ करुणांतिका में त्रण लोकोना मौत थया हता। आ मामले धारासभ्यनी खातरी बाद परिवारे मृतदेह स्वीकार्यो हतो। परंतु सवाल ए छे कि मकानना त्रण मालिक सामे अंते गुनो नोंधायो छे, शुं आ मकान धराशायी थवा माटे मात्र मकान मालिक ज जवाबदार छे? समग्र मामले मनपाना डेप्यूटी मेयर गिरीश कोटेचाए मनपाना अधिकारियों पर घटनानो कळश ढोळ्यो। कह्यू के नोटिस आपी होवा छतां 8 दिवस सुधी अधिकारीए कोई कामगीरी करी नहीं, जेना कारणे आ दुर्घटना घटी छे। आ घटना पाछळ कोर्पोरेशनना अधिकारीओनो जवाबदार छे। अधिकारीओ योग्य कामगीरी करता नथी, जेना कारणे आवी दुर्घटना घटी छे। દોષિત લોકો છે કે જેની અંદર જવાબદારી ઠીક થાય છે એવા લોકો ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કોઈને છોડવામાં નહીં આવે। એમના પરિવાર રસ્તામાં છે, બહારથી આવે છે એટલે આવી જાય, એટલે એમને અત્યારે લઈ જશે અને એમની સાથે બધી વાત થઈ ગઈ। કોઈ પણને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવામાં નહીં આવે, બાંધછોડ કરીને છોડવામાં નહીં આવે। જ્યારે પણ ચોમાસું આવે ત્યારે પેલા એક મીટિંગ થાય ને, સર્વે થતો હોય, ભાઈ નબળા મકાન ક્યાં છે, વર્ષો જૂના મકાન હોય, બે જ જણા રહેતા હોય, અરે ભાઈ રહેતા હોય કે એકવાર નોટિસ દીધા પછી 8D માં જ એના પગલાં ભરાવા જોઈએ, એ પગલાં નથી ભરણા એટલે વાક પેલો કોર્પોરેશનનો છે ને છે।